आज से दो दिन पहले ऑन 11th मई 2022 हमें किंग के प्रोजेक्ट ख्वाबीदा का पहला चैप्टर देखने को मिला जिसका नाम था द लास्ट गैम्बल। और आज किंग ने अपने इस म्यूजिकल ड्रामा का पहला गाना ड्रॉप किया जिसका नाम था बाजी। और इस गाने में म्यूजिक वाइज हमें एक बहुत ही डिफरेंट किंग का साइड देखने को मिला जो हम लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। किंग ट्राइड सिंथ वेव म्यूजिक इन दिस ट्रैक। और सिंथ वेव से तुम लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोग को कुछ महीने पहले बादशाह के साइड से एक प्रोजेक्ट देखने को मिला था जिसका नाम था रेट्रो पांडा। उसमें सारे के सारे ट्रैक सिंथ वेव म्यूजिक पे बेस्ड थे। सो क्या किंग ने सिंथ वेव म्यूजिक या फिर ये जो नया जॉनर ट्राई किया है म्यूजिक का, इसे जस्टिस दिया है या फिर नहीं, यू विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हम तुमसे जब मिले मिलते ही रहे। और इसके साथ साथ आज केंड्रिक लमार ने अपना स्टूडियो एल्बम भी ड्रॉप किया है। सेक्शन 80, गुड किड, मैड सिटी, टू पिंप ए बटरफ्लाई, डैम। सो डैम जो कि केंड्रिक लमार का लास्ट स्टूडियो एल्बम था वो हमें 2017 में देखने को मिला था। और उसके 5 साल के बाद आज फाइनली हमें केंड्रिक लमार के साइड से उनका 5वां स्टूडियो एल्बम देखने को मिला है जिसका नाम है मिस्टर मोराल and big steppers. I come from a generation of pain where murder is minor, rebellious and more jealous, a chip you for designer, belt buckles and cloud over zealous. So इस एल्बम के बहुत ही ज्यादा मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये एल्बम पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोग इसे एल्बम ऑफ द डेकेड बुला रहे हैं और कुछ लोगों को ये एल्बम समझ में ही नहीं आ रहा है। So इस एल्बम में हमें केंड्रिक के साइड से 2 डिस्क देखने को मिले हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2। दोनों डिस्क में 9 ट्रैक्स है। और अगर मैं इसे इजी वे में बताऊं तो केंड्रिक लमार ने 2 एल्बम एक साथ रिलीज कर दिया है। So this is a वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट जो इसके पहले हमें के डॉट के साइड से कभी भी देखने को नहीं मिला था। सो मैंने भी इस एल्बम को अभी तक एक ही बार सुना है और अगर मुझे इसे प्रॉपर रिव्यू करना है तो मुझे 1-2 बार और सुनना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा इस एल्बम पे। सो इस वीडियो में मेरा इस एल्बम को लेके क्या फर्स्ट इंप्रेशन है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड अगेन इसके पहले भी मैंने ऐसा किया है कि मैंने DHH और इंटरनेशनल हिप हॉप दोनों साथ में मिला के वीडियो बनाया है। सो मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली DHH फॉलो करने वाली ऑडियंस है। कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो इंटरनेशनल हिप हॉप फॉलो करती है, पर मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है ऐसा नहीं कि अगर तुम किंग के लिए आए हो तो किंग का पार्ट देख के तुम स्किप कर दो या छोड़ के चले जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखना, तुम जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। पहला चल रहे ने में ते केस के ने के केस के ने केस के ने गाने का नाम है विप, आर्टिस्ट है प्रिंस राइज। और ये गाना भाई के अपकमिंग एल्बम का इंट्रो ट्रैक है जिसका नाम होने वाला है द राइज ऑफ द रेड्स। और नेक्स्ट मंथ हमें इस एल्बम के और भी ट्रैक भाई के साइड से देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग दिल्ली से है, भाई जो है बहुत जल्द ही अपना एक स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले है दिल्ली में। और अगर हम इस गाने की बात करें, भाई जो है वो अपने कल्चर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। भाई जो है वो एक्चुअली अफगानी सिख है जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं। और जब तुम भाई का ये गाना सुनोगे यू विल कम टू नो मोर थिंग्स। सो तुम लोग जाके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, भाई के साथ जुड़ सकते हो, भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैंने भाई के इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और जाके भाई के कमेंट में ड्रॉप कर देना तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किंग के ट्रैक बाजी के बारे में। सो इस गाने में जो चीजें मुझे पसंद आई उसमें से एक है इस गाने का म्यूजिक वीडियो। सो इसके पहले जो मैंने ख्वाबीदा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाया था उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हमें वार्नर म्यूजिक इंडिया के साइड से देखने को मिलने वाला है। सो द म्यूजिक वीडियो, और अगर हम वीडियो साइड की प्रोडक्शन की बात करें, इट इज रियली गुड। और सिर्फ इस गाने का ही नहीं, इसके पहले जो हमें चैप्टर 1 देखने को मिला था उसकी भी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। सो बिग अप्स टू द होल टीम। और अगर तुम इस म्यूजिक वीडियो में ध्यान दोगे तो हमें इसमें एक स्टोरी लाइन भी देखने को मिली है और इस म्यूजिक वीडियो के लास्ट में हमें एक ट्विस्ट भी देखने को मिला है। So, ये तो म्यूजिक वीडियो की बात हो गई। लेट्स नाउ कम टू द एक्चुअल सॉन्ग। सो इस गाने की जो लिरिक्स है जो हमें किंग के साइड से देखने को मिली है, किंग डिड रियली गुड जॉब विद द लिरिक्स, बट देयर वाज समथिंग जो मुझे इस गाने में थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। सो जैसा मैंने बोला कि कुछ महीने पहले हमें बादशाह के साइड से भी एक सिंथ वेव प्रोजेक्ट देखने को मिला था जहां पे बादशाह के साइड से हमें 3 या 4 सिंथ वेव गाने देखने को मिले थे। एंड दैट प्रोजेक्ट वेयर रियली गुड अगर हम म्यूजिक साइड की प्रोडक्शन की बात करें तो। और एक्चुअली ये जो सिंथ वेव या फिर सिंथ पॉप
का जॉनर है, ये रिसेंटली हमें द वीकेंड के साइड से बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। सो वीकेंड के लास्ट दो एल्बम में हमें इसी जॉनर की म्यूजिक देखने को मिले थे, और बादशाह के जो गाने थे रेट्रो पांडा में वो भी बहुत हद तक वीकेंड से इंस्पायर्ड लग रहे थे। एंड सेम गोज टू दिस ट्रैक, ये ट्रैक भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है वीकेंड से। सो यहां तक चीजें बिल्कुल सही है, इंस्पायर्ड होना इज टोटली फाइन, और हर आर्टिस्ट किसी ना किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड होता ही है। पर किंग के इस गाने के जो वोकल्स थे वो मुझे प्रॉपरली मिक्स्ड मास्टर्ड साउंड नहीं कर रहे थे, अगर हम उसे कंपेयर करें वीकेंड के गाने से या फिर उसे हम कंपेयर करें बादशाह के रीसेंट प्रोजेक्ट से भी। तो इन ब्रीफ, इस गाने का जो वोकल मिक्सिंग है और ओवरऑल म्यूजिक प्रोडक्शन है वो थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव हो सकता था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि किंग ने ये पहली बार किया एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट म्यूजिक, एंड आई नो ही विल इंप्रूव विद टाइम, एंड आई होप कि आगे आने वाले जो दो गाने हैं वो इससे ज्यादा बेटर साउंड करे। पर ये गाना भी बुरा नहीं था, गाने के लिरिक्स अच्छे थे, कंपोजिशन अच्छे थे, पर अगर हम बाकी सिंथ वेव गाने से या फिर बाकी सिंथ वेव म्यूजिक से इसे कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं था। तुम देख लो है आखिरी खेली मैंने। So do let me know in the comment कि तुम लोगों को कैसा लगा ये गाना, और अगर तुम मेरे पॉइंट से एग्री नहीं कर रहे हो तो भी तुम कमेंट में बता सकते हो, या फिर अगर तुम क्रॉस चेक करना चाहते हो तो तुम जाके बाकी सिंथ वेव ट्रैक लाइक तुम वीकेंड के गाने सुन सकते हो, बादशाह के गाने सुन सकते हो, इवन एपी ढिल्लो ने भी एक सिंथ वेव ट्रैक बनाया जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एंड यू गाइज कैन लेट मी नो योर रिव्यूज इन द कमेंट। Okay, let's now move to the second part and the most crazy part of the video. Aaj Kendrick Lamar ne apna fifth studio album drop kiya hai. Be not your father, should detach my calling is right on time. Transformation, I must have 1,000 lives and like 3,000 wives. You should know that. So I am a big Kendrick Lamar fan, aur iske pehle Kendrick Lamar ke jitne bhi studio album aaye hai, those album are legendary. और जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोगों ने अगर Kendrick Lamar का नाम नहीं सुना है, ये वीडियो खत्म करने के बाद जाके Kendrick Lamar के गाने चेक करना, ये एल्बम सुनना, for sure you will discover a gem today. So जैसा मैंने बताया, इस एल्बम में हमें दो डिस्क देखने को मिला है, दोनों डिस्क में नौ ट्रैक है, टोटल हमें 18 ट्रैक देखने को मिले हैं Kendrick Lamar के साइड से। And this album is very different, अगर हम इसे कंपेयर करें Kendrick के बाकी एल्बम से या फिर इन जनरल हिप हॉप के दूसरे एल्बम से। तो इस एल्बम को अभी तक मैंने एक बार ही सुना है, दिस इज नॉट अ रिव्यू ऑफ द एल्बम, हम सारे ट्रैक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं इन ब्रीफ तुम लोग को इस एल्बम का फर्स्ट इंप्रेशन जरूर बताऊंगा। So, ये जो एल्बम है ये उन लोगों के लिए नहीं है लाइक जिसे वाइबी ट्रैक पसंद है या फिर ऐसे ट्रैक पसंद है जिसे तुम प्लेलिस्ट में ऐड करके अपने दोस्तों के साथ सुन सकते हो, पार्टी में सुन सकते हो या फिर गाड़ी में सुन सकते हो। ये एक ऐसा एल्बम है जिसे तुम स्टडी कर सकते हो, अगर तुम इसके लिरिक्स को लिटरली बैठ के पढ़ोगे एल्बम खत्म करने के बाद डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस एल्बम। सो द म्यूजिक प्रोडक्शन इन दिस एल्बम इज टॉप नॉच एंड वेरी डिफरेंट, जो ज्यादातर हमें हिप हॉप एल्बम्स में देखने को नहीं मिलता है। और बहुत लोग इस एल्बम को Kendrick के पुराने एल्बम से भी कंपेयर करेंगे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होगा। सो Kendrick इज ए फैमिली मैन नाउ, और अब Kendrick की लाइफ की जो पर्पस है अगर हम उसे 5 साल पहले से कंपेयर करें तो वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। सो इस एल्बम में Kendrick तुम्हें अपने फैमिली के बारे में, अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में, डॉटर के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते हुए नजर आएंगे। और हाँ, अगर तुम उन लोगों में से हो जो मेरा ये वीडियो देख के पहली बार Kendrick का गाना सुनने जा रहे हो या फिर ये एल्बम सुनने जा रहे हो, तो मैं तुम लोग को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज हर गाना को पूरा सुनना, ऐसा नहीं कि तुम 20 सेकंड या 30 सेकंड सुन के स्किप कर रहे हो, सॉन्ग बाय सॉन्ग हॉप कर रहे हो, फिर तुम्हें ये एल्बम सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और लास्ट में तुम बोलोगे ये एल्बम बेकार है। टाइम दो, आराम से इस एल्बम को सुनो, हो सके तो साथ में लिरिक्स भी खोल लो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस एल्बम, एंड दिस एल्बम इज रियली डीप एंड लेजेंडरी। सो फॉर नाउ माई 3 फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस एल्बम इज मदर आई सोबर, मिरर एंड N95, और ये मेरे फर्स्ट लिसन के बाद फेवरेट ट्रैक है, तो अगर मैं एल्बम को दोबारा या तीसरी बार सुनता हूँ फोर श्योर ये लिस्ट डेफिनेटली चेंज होने वाला है। और अगर तुम Eminem के फैन हो तो इस एल्बम के एक ट्रैक में तुम्हें Eminem वाइब भी देखने को मिलेगा, दैट ट्रैक इज वी क्राई टूगेदर, सो डू चेक इट आउट एज वेल। We can go our separate ways right now. You can move on with your life. Fuck you, nigga. You love a pity party. I won't show. So this was it. This was my first impression on the GOAT Kendrick Lamar's album, Mr. Morale and the Big Steppers. और मैंने जानबूझ के DHH और इंटरनेशनल हिप हॉप दोनों कंबाइन करके ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है जैसा मैंने बोला था वो DHH की ऑडियंस है, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंटरनेशनल हिप हॉप में भी इंटरेस्ट दिखाओ, बिकॉज इंडीड हिप हॉप इज वन। और अगर मैं अलग से Kendrick के ऊपर वीडियो बनाता और इस एल्बम को एक्सप्लेन करता या फिर अपना फर्स्ट इंप्रेशन देता, तो मे बी जो लोग अभी देख रहे हैं वो ये वीडियो नहीं देख रहे होते।
सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द वीडियो। और हाँ, तुम लोगों को मेरे सेकंड चैनल के बारे में आइडिया नहीं है तो मेरे सेकंड चैनल का नाम है Rapbot 2.2, जहां पे मैं अलग कंटेंट बनाता हूँ, कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, फनी वीडियो बनाता हूँ, तो वो चैनल भी जरूर चेक करना। मैंने रिसेंटली उस पर एक मीम रिव्यू वीडियो डाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्रेजी मीम रिव्यू वीडियो, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्दी से उसमें हमें 6K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, 6K सब्सक्राइबर्स होते ही मैं बहुत जल्दी क्रेजी ओमेगल वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से 6K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर रिमाइंड मेरा तेरे पीछे।